नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ जितिया स्पेशल पोई के साग के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। जितिया में नूनी और पोई दोनों के साग के जो पकौड़े होते हैं उसे खाने की परंपरा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले पोई के साग को मैंने वॉश करके और इसको कट कर लिया है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड कर देंगे और उसी के साथ एक हरी मिर्च भी यहाँ पर मैंने ऐड की थी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल। तो चावल को भिंगो करके मैंने अच्छे से ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना लिया है। तो उससे क्या होता है, पकौड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा बेसन डालेंगे। बेसन की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने कम रखी है और चावल को मैंने जो पीस के डाला उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। उससे जो पकौड़े होते हैं काफ़ी क्रंची बन करके तैयार होते हैं। तो इसलिए आप चावल को भिंगो दीजिए और फिर मिक्सी के जार में डाल करके उसको अच्छे से पीस लीजिए। यहाँ पे होममेड गरम मसाला का पाउडर मैं डाल रही हूँ, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पोई के साग के पकौड़े हैं उसको हम बना पाएँ। तो अगर बाइंडिंग होने में यहाँ पे दिक्कत होगी तो थोड़े से हम बेसन और ऐड करेंगे और अगर बाइंड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम बेसन ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे और चावल का जो, अगर आपके पास चावल आपने भिगो के पहले से नहीं रखे हैं, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे चावल का जो आटा है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच बेसन और ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मिक्स में बाइंड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और अब यहाँ पे पकौड़ों का आपको शेप देना है और तेल में डालते जाना है। तो जितिया में जो पोई के साग के पकौड़े होते हैं वो ज़रूर खा जाते हैं, नहाए खाए और पारण दोनों ही के दिन। और इसके जो पकौड़े हैं काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ऐसे भी अगर आप करी चावल बनाते हैं और पकौड़े बनाने की सोच रहे हैं तो आप पोई के साग के पकौड़े बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास चावल के का आटा भी नहीं है तो आप इसमें अरारोट डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पकौड़ों को क्रंची करने का। तो बेसन के साथ आप चावल या फिर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट, ये सारी चीज़ें ज़रूर डालिए। इसमें से एक ऑप्शन आप ज़रूर चूज कीजिए। उससे पकौड़े काफ़ी क्रंची बन करके आपके जो है तैयार होंगे, काफ़ी टेस्टी लगेंगे खाने में और काफ़ी लंबे टाइम तक ये क्रंची भी रहते हैं। अगर आपने फ्राई करके छोड़ दिए और आधे घंटे के बाद इसको खाए तभी भी ये काफ़ी क्रंची रहते हैं। दोनों साइड से मैंने यहाँ पे पकौड़ों को अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा फिर सारे पकौड़ों को यहाँ पे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे तरह से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो इन सबों को निकाल लेते हैं।